Hi investors and traders, welcome back to the channel and I hope you all heard me yesterday. Kal aapne mujhe suna tha ki nahi suna tha? Maine bola tha market upar hi chalne wala hai. Agar aapne ye baat kal dhyan se suni thi, thumbs up dijiye, like kariye, share kariye, subscribe kariye. Ye important point hai. Kyunki aap log support karoge tabhi is channel ki growth hai aur tabhi jitne log मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा लोगों का फायदा होगा। आपको मैंने कल ही बता दिया था, लोग बोल रहे थे कि गिरेगी, 1000 पॉइंट गिरेगी, 2000 पॉइंट गिरेगी। मैंने आपको बोला था, डेटा रीड किया है पूरा, एक एक फाइनर डेटा रीड किया है और बताया आपको कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि आज मार्केट जो है निफ्टी जो है 370 पॉइंट चलेगी, इतनी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। आई थॉट कि चलेगी, एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को टच करने जाएगी, 22,800 को या 22,800 को टच करने जाएगी। बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये 370 पॉइंट्स का मूव देगी, यूनिडायरेक्शनल मूव देगी। तो एनीवे आप देखिए, हर एक सेक्टर आज देखिए, हर एक सेक्टर एक पॉजिटिव है, एक्सेप्ट फार्मा। एक्सेप्ट फार्मा, फार्मा ने सपोर्ट नहीं किया, हालांकि मुझे लग रहा था कि फार्मा सपोर्ट करेगा, बट फार्मा स्टैंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस। एक दो तीन, थर्ड टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस फार्मा इज टेकिंग रेजिस्टेंस, बिल्डिंग इट अप। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो आपको एक अपमूव मिल सकता है फिर से। और तो आई रियली वॉन्ट योर वैलिडेशन दैट इट, नो अदर यूट्यूबर सेड दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप। दे वर सेइंग मार्केट इज वॉलेटाइल, मार्केट इज दिस एंड दैट, बट नो वन टॉक्ड अबाउट मार्केट बीइंग वेरी पॉजिटिव। आई वॉज डेड श्योर अबाउट इट दैट मार्केट विल गिव a beautiful blast and that is what has happened today. aap logo ne coforge mein trade kiya, did you all trade in coforge? have a look at it today. coforge just gave a unidirectional trade, in fact agar aap isko 5 minute mein dekhenge to isne ek acha khasa move subah diya tha. yahan tak dekhiye, aapko pura unidirectional move mila tha from 4960 to 4160, ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स का मूव आपको यूनिडायरेक्शनल मिला था। सो एनीवे, कुछ एक स्टॉक्स ने ब्रेकआउट नहीं दिया, बट दैट्स द गेम मार्केट प्लेस, कुछ में ब्रेकआउट आएगा, कुछ में नहीं आएगा। तो आज फार्मा में ब्रेकआउट नहीं आया, आ जाएगा, एक दो दिन में आ जाएगा, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज मैं एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लास्ट फ्यू मंथ से सिल्वर प्राइस इज रियली गोइंग अप, राइट? तो डिड यू एवर पॉन्डर ओवर कि ये सिल्वर प्राइस क्यों, क्या हो रहा है सिल्वर में कि ये प्राइस इतना शूट अप हो रहा है? तो पहले इसके प्राइस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि सिल्वर जो है ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2023 से लेके अप्रैल 2024, ऑलमोस्ट लाइक एक साल सिल्वर जो था 1000 पॉइंट्स की रेंज में था, 67,500 टू 77,500, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रेंज में सिल्वर ऑसिलेट करा था। और उसके बाद जो सिल्वर ने एक ब्रेकआउट दिया है, दैट हैज बीन अ फिनोमिनल ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट लाइक इसने 20 से 25% की रैली सिल्वर ने दी है। तो व्हाट रियली हैपेंड इन सिल्वर, हुआ क्या है सिल्वर में जो कि सिल्वर जस्ट गेव अ ह्यूज ह्यूज काइंड ऑफ ब्रेकआउट। आई एम गोना शेयर विद यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन सिल्वर, क्यों सिल्वर इतना शानदार मूव दे रहा है। सो सिल्वर हैज मेनी इंडस्ट्रियल यूजेस, accounting for more than half of annual demand worldwide over the last 5 years. This means that economic growth can affect silver prices far more than it affects gold, kyunki gold ki just industrial application hai itni zyada nahi hai jitni silver ki hai. only 10 to 15% of annual gold demand worldwide comes from industrial use and the rest going to jewelry and silver investment. so agar hum silver ki baat kare, agar hum gold ki baat kare, to gold mein इंडस्ट्रियल डिमांड कम है, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा है। मोर देन यू नो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी, सिल्वर हैज मोर डिमांड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। बिकॉज ऑफ सिल्वर फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्रिलियंस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इट कैन बी स्प्लैश्ड और पुल्ड इनटू शेप। पीपल हैव ऑल्सो यूज सिल्वर इन ज्वेलरी, टेबलवेयर, फाइन आर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यूज सिल्वर्स कंडक्टिविटी, द हाईएस्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat, as well as its sensitivity to light and antibacterial qualities. Today, silver is invaluable to solder and brazing alloys, batteries, dentistry, glass coating, LED chips, medicine, nuclear reactors, photography,
photovoltaic or solar energy, RFID chips for tracking parcels or shipments worldwide, semiconductors, touchscreen, water purification, wood preservatives, and many other industrial uses. Washington-based industry group of Silver Institute calls it the indispensable metal. So silver is basically indispensable metal. The biggest consumer of silver for industrial application in this decade has been US, Canada, China, India, Japan, South Korea, Germany, and Russia. Over that time, silver demand from older industries has faded, only to be replaced by technological uses. So basically what you can really think about it, jahan pe bhi solar energy ki baat hogi, jahan pe EV ki baat hogi, jahan pe soldering ki baat hogi, jahan pe aap RFID chips ki baat karoge, jahan pe semiconductors ki baat karoge, touch screen ki baat karoge, water purification ki baat karoge, wahan pe aapko silver lana hi padega, right? You will definitely be using silver. Agar hum baat kare ki solar energy mein kya demand hai, to solar sensitivity of light has found fast growing use in photovoltaic or solar energy. Industry using silver or a conductive wing, photovoltaic cells transform sunlight into electricity. Photovoltaic use first made an impact on silver demand in 2000 as a photographic use began its decline. So what I really want to show you now that how silver has given a beautiful breakout. Now silver ka aapko pata hai ki third largest producer kaun hai, right? It's an Indian company that's called Hind Zinc, right? That's the whole idea what I wanted to share with you, why Hind Zinc prices are blasting. So the biggest producer of the India's largest producer and world's third largest producer of silver is the company called Hind Zinc. So jab tak silver ka price range bound tha, the stock was range bound. To aapko kya yaad rakhna hai ki kaun si commodity kis stock ko govern karti hai. So silver is being, this particular stock Hind Zinc is governed by silver. So silver jab tak range bound tha, ye stock bhi range bound tha, the moment silver started giving a breakout, the stock just blasted. I want to show you on my screen here, Hind Zinc humne aapko diya tha April 10th ko. Have a look at it. April 10th ko 415 rupaye pe buy diya tha, only for 38 points. Uske baad I kept on increasing its target. I kept on increasing its target every time. So positional trade mein hum iska isko 540 pe fir buy diya, 60 points ka target diya. Uske baad we kept on increasing the target of Hind Zinc, right? And recently it made a high of 806. So from 400 humne kahin pe buy aap logon ko diya tha, is jagah pe 450, yahan se leke yahan tak 100% ka return aapko mila hai, kuch starting from second ek mahine ke andar aapko 100% ka return mila. So if you know a commodity and a stock based on that commodity, aap log multi bagger stocks dhoond sakte hain. Let me share you some facts about Hind Zinc. So Hind Zinc ki agar hum baat kare, the Hind Zinc basically moved about 90% in a month with 144% annual return. It hit a record high of 807 and closed about 772. Revenue boost, silver revenue is up by 22% in the year 24 to 5368 crore, despite a 15% drop in the total revenue of 28932 crores. उसके बाद प्रोडक्शन रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने दे अचीव 746 मीट्रिक टन्स सेलेबल सिल्वर, अ 5% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. ग्लोबल रैंकिंग लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली. उसके बाद प्राइस रैली की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू इट सिल्वर जस्ट मूव 11 ईयर हाई. मार्केट डायनेमिक्स, सिल्वर रिमेन्स अंडर वैल्यूड कंपेयर टू गोल्ड. टेक्स 80 ounces ऑफ सिल्वर टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, मतलब 1:80 का रेशियो है. Future prospects, analysts predict silver prices at $26-$27 per ounce for fiscal estimates. Operating profits from silver may exceed 5,000 crore, up from 4,400 crore last year. So what I really want to say, ki agar aap ek commodity ko track karenge aur us commodity se kaun sa stock related hai usko connect karenge, you will be able to get multi baggers. What I really want to say here, ki maine inme se ye kuch bhi nahi kiya tha, maine sara data price mein read kiya tha. I have read entire data just in the price. Humne pehle isme somewhere here
221 पे बाय दिया था और उसके बाद 415 पे बाय दिया था. लुक एट द मैसिव ब्लास्ट, जब ये रेंज ब्रेक हुई थी दैट्स व्हेन वी गेव अ बाय एंड लुक एट द ब्रेकआउट. सो कीप दिस स्टॉक इन रडार बिकॉज सिल्वर प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज सिल्वर इज इन डिमांड. ये प्राइस भी आपको ऊपर जाता रहेगा और मेरा एक साल का इसका टारगेट अभी भी रहेगा 1500 का. सो कीप इट ऑन रडार एंड कीप एक्यूमुलेटिंग एट एवरी ड्रॉप विदाउट गेटिंग फियरफुल और स्ट्रेस्ड. राइट नाउ कम्स आप कितने बढ़िया से अपना मनी मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे और ट्रेड मैनेज करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी. और अगर आप जरा से ड्रॉप से आपने यहाँ खरीद लिया 809 पे और ये नीचे गिर गया और आप दुखी हो गए तो नथिंग कैन बी डन. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ यू हैव टू एक्यूमुलेट एट एवरी लोअर लेवल विदाउट बींग फियरफुल. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. होप यू लर्न समथिंग अबाउट you know stock market and some new dynamics of stock market. Give us thumbs up, like, share and subscribe and do join me in the live market every single day from 10 to 11. aaj bhi humne ek call option diya tha, humne call option aapko diya tha voltas ka 30 rupees pe buy ke liye diya tha, 54 ka high lagaya. adani enterprises ka call option diya tha 50 rupees se 200 plus ka isne high lagaya tha. do join for such live trades.